बस वहाँ से गाजर जो उसके ज़्यादा ही डाली है, और आपकी जो गाजरें हैं वो इस साइड से कद्दूकश होकर निकली जा रही हैं। लेकिन एज अ सैलड के तौर पे इस्तेमाल करें आप लोग, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी जो गाजरें हैं वो कद्दूकश हो चुकी हैं। अरे वाह दोस्तों, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, दबा के रखें ऊपर से। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कैसे मिनटों मिनटी दोस्तों एक इस तरह हमारी जो गाजर है मूली है उसको स्लाइसिस में कन्वर्ट कर दिया है। अरे दोस्तों ज़बरदस्त, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हमारी जो गाजरें हैं वो कद्दूकश होकर बाहर आई जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चाय पानी डॉट पीके। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डेमो करेंगे एची हाउस का जो सैलड मेकर है, ठीक है। वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, गाजरें हैं, ठीक है, उसके बाद ये खीरा है और साथ में मूली है। रजा भाई मेरे साथ मौजूद हैं और हम लोग दोस्तों इसका डेमो करके आपको लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। इसमें सबसे पहले हमारे पास तीन आते हैं ब्लेड, ठीक है। ये मैं पहले लगाने लगा हूँ कद्दूकश वाला। तीन ब्लेड्स आते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, एक ये ब्लेड है, उसके बाद एक ये, और जो तीसरा हमारे पास ब्लेड है वो ये है, ठीक है। तो अभी रजा भाई ब्लेड को मशीन के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले बस मशीन को ब्लेड के ऊपर लगा देना है, और उसके बाद ये इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको आपने क्या कहते हैं, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल हमारी मशीन सेटअप हो गई है। और यहाँ पर दोस्तों आपने आगे रख लेना है प्लेट को, ठीक है। तो चलिए रजा भाई व्यूवर्स को दिखाएं पहले इसको एक दो। अरे दोस्तों जबरदस्त, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हमारी जो गाजरें हैं वो कद्दूकश होकर बाहर आई जा रही है। जबरदस्त जबरदस्त दोस्तों, ये तो अब देख सकते हैं चंद सेकंड में ही जो मशीन है उसने हमारी गाजरों को बिल्कुल कद्दूकश कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, भाई सारी करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी आज है दोस्तों, इस बहुत ही जबरदस्त चीज है, ठीक है। और जिन लोगों ने बाई करनी है उनको मैं बता दूँ कि गाजर को आपने उल्टी करके डालना है। ये छोटी सी टिप आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो गाजरें हैं वो कद्दूकश हो गई हैं, ठीक है। उल्टा करके डालना है इसको, उल्टा। निकाले इसको आप लोग। रजा भाई फिर इस तरह करें इसको ना सीधा करके डालना इस गाजर को। दोस्तों ये एक्चुअली गाजर थोड़ी सी ऊपर से बारीक थी तो उसकी वजह से ना ये आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट रुके। रजा भाई इस तरह करें कि एक्चुअली इसको ना जरा थोड़ा सा फ्रंट पे करके दिखाएं ताकि हमारे व्यूवर्स को ना इसका रिजल्ट अच्छी तरीके से नजर आ सके। ये देखें दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैंने जरा जो मशीन है ना इसका मुंह थोड़ा सा इधर को कर लिया ताकि आपको गाजरें जो सी है ना वो बराह रास्त अच्छे तरीके से आपको नजर आ सकें। रजा भाई इसको जरा थोड़ा सा साइड पे कर दें गाजरों को, ठीक है। और अभी रजा भाई एक और गाजर आपको करके दिखाएंगे। अब मुझे लगता है बिल्कुल सही भी नजर आ रहा है आपको। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बस वहाँ से गाजर जो सी ज़्यादा ही डाली है, और आपकी जो गाजरें हैं वो इस साइड से कद्दूकश होकर निकली जा रही हैं। दोस्तों सैलड बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है ये। ये देखिए दोस्तों स्पेशल, यहाँ से आपने थोड़ा सा अभी क्योंकि ये हमने प्लेट रखी है, अगर आपने कोई गहरा बर्तन रखा होगा ना तो फिर ये यहाँ पर आपकी गाजरें जमा भी नहीं होगी, नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। रजा भाई बस करें एक मिनट, मैं एक रखी भाई, ठीक है ये एक रखी, ये भी कर दें। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी से हमारी जो गाजर है वो कद्दूकश हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। और आपकी जो गाजरें हैं वो यहाँ से साइड पे निकली जानी। अच्छा दोस्तों हमारे पास जो गाजरें हैं आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन ये तीन मिनट से भी पहले तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं भाई। हम ये काम ही ना करते इसलिए देर लग गई है, तो जो हमारी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, हमारी कस्टमर है हमारे, बिल्कुल वो इसमें इसे देर नहीं लगाएंगे, देर नहीं लगाएंगे। और दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त है, इसने हमारी जो गाजरें हैं उनको कद्दूकश कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा उठा के भी दिखा सकता हूँ, आप लोग देख सकते हैं गाजर का हलवा बनाए वैसे इसको, लेकिन एज अ सैलड के तौर पे इस्तेमाल करें आप लोग, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी जो गाजरें हैं वो कद्दूकश हो चुकी हैं। फहीम भाई अब हम ब्लेड चेंज करते हैं। अच्छा अब दोस्तों ब्लेड इसका हम करेंगे चेंज, ठीक है ना। और रजा भाई कौन सा ये वाला, ये लगाते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों अच्छा ये वाला ब्लेड किसके लिए इस्तेमाल होता है, कोई आपको आइडिया है इसका? फहीम भाई ये वो लेज का आपने बाल का देखा होगा, लेज उसके अंदर डिजाइन बना होता है, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए। दोस्तों वो कर्लीज नहीं होती जो सी, वो कर्लीज टाइप की जो चिप्स है वो बनाने के लिए आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजरें थोड़ी सी यहाँ से साफ कर लें, ठीक ना, ताकि हमारी मशीन अच्छी तरह बाद में बंद हो सके। और दोस्तों यहां पर आपने इसको ब्लेड को साथ में अटैच कर लेना, ठीक है।
और अच्छा गाजरें इसको निकाल लें किसी और बर्तन में या इसी यहाँ पर ही रहने दें? नहीं इधर मैंने साइड पे कर बस ठीक है चलें काम चल जाएगा। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर मकसद तो हमारा ये है कि हमने अपने व्यूवर्स को डेमो दिखाना है कि जो मशीन आप बाय करने जा रहे हैं। अब फहीम भाई मूली ले लें या खीरा ले लें? आप इस तरह करें मूली को ना बीच में से काट लें पहले दोस्तों। एक्चुअली इसका जो ऊपर से उन्होंने मुंह है अपने हिसाब से बनाया हुआ है तो ये मूली को तकरीबन नहीं रजा भाई आपको दरमियान से कट करना पड़ेगा इसको। नहीं मेरे ख्याल हो जाएगा। चलो ठीक है हो गया। अच्छा दोस्तों अभी ना आपके सामने दूसरे वाले ब्लेड का डेमो करेंगे मूली के साथ। चलो रजा भाई स्टार्ट करें। अरे वाह दोस्तों जबरदस्त जबरदस्त रजा भाई दबा रखे ऊपर से। दोस्तों देख रहे थे आप लोग कैसे मिनटों मिनटी दोस्तों एक इसने हमारी जो गाजर है मूली है उसको स्लाइसिस में कन्वर्ट कर दिया है। भाई मुझे मशीन बड़ी जबरदस्त लगी है। इस तरह करते हैं एक एक अपनी वाइफ के लिए ले लें बेगमात के लिए। भाई अभी हमारी बेगमात पता नहीं किधर है हमारा। अच्छा हमारी कहले वो जो होती ना हाँ वो भी नहीं हुई वो भी नहीं हुई। अच्छा दोस्तों खैर मैं बताना चाहता हूँ कि हम दोनों अनमैरिड ही हैं ठीक है तो पंजाबी लफ्जों में कहते हैं कंवारे कंवारे ठीक है ना तो कंवारे घर वालों के प्यारे ठीक है ना ये नया नारा हमारा। अच्छा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पहले मूली को किस तरह इन्होंने कद्दूकश कर दिया। रजा भाई ने आधी मूली वैसे ही वहां पर रख दी है क्योंकि पर्पस तो ये था हमारे कस्टमर को जो सा डेमो दिखाना है। रजा भाई खीरा डालें बीच में ये ऐसे चलेंगे बीच में हाफ कट करना पड़ेगा? नहीं ये चल जाएगा ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों एक्चुअली खीरा थोड़ा सा नरम है ठीक है ना तो उसने उसका थोड़ा सा इसको ये जो मशीन है थोड़ा सा बारीक बारीक आप लोग देख सकते हैं उसने इसको कटिंग कर दी है ठीक है ना। खीरा क्योंकि थोड़ा सा नरम था ठीक है तो ये जो सी मूलियां और गाजरें थोड़ी सी हार्ड थी तो आप लोग देख सकते हैं उसके बड़े ब्यूटीफुल उन्होंने स्लाइस बनाए हैं और जो खीरा है वो थोड़ा सा नरम था तो जिसकी वजह से उसने उसका यानी कि थोड़ा सा आप कह लें कि वो मिक्सचर सा दोस्तों बना दिया है। तो चलें वीडियो में दोस्तों आप लोग ये भी आप लोग इसका आइडिया कर सकते हैं कि जो खीरे हैं वो आपको हाथ से ही तकरीबन काटने पड़ेंगे या खीरे थोड़े से सख्त अगर आप ये भी जाना ऊपर से मोटा वो था तो इजीली उसके अंदर नहीं था जा अंदर नहीं जा ठीक है दोस्तों। एक्चुअली अगर आप हमें काटना चाहिए था पहले ना हाँ एक्चुअली रजा भाई ने उसको बीच में से काटा नहीं तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ये चीज थोड़ी सी यानी कि मिक्सचर बन गई। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास दोस्तों गाजरें और ये हमारे पास जो मूलियों के कितने जबरदस्त मैं आपको एक साइज उठा कितने जबरदस्त दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास मूलियों के स्लाइस बनाए हैं ठीक है बारीक में। और ये मैं अगर आपको एक दाना यहाँ से भी उठा के दिखा दूं तो ये इसने हमारी जो गाजर का साइज है तो वो किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। रजा भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी हमें सलाद बना दी है और वीडियो के बाद हम मैं और मेरे साथ टीम है अबू बकर भाई है हम लोग इसको खाएंगे बिल्कुल बल्कि गाजर इतनी ज्यादा खाई नहीं जा रही मुझे लगता है इसका हमें गाजर का हलवा भी बनाना पड़ेगा दोस्तों थोड़ा सा फ्राई पैन में। तो दोस्तों ऑर्डर करने के लिए आप लोग 03046000810 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में रजा भाई आप भी अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें आपको पता ही है 03413810264 दोस्तों ये रजा भाई का नंबर है ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपना एड्रेस सेंड करना है हमें और ये जो आपकी मशीन है ये कैश ऑन डिलीवरी के साथ आपको आपके घर पर पहुंच जाएगी। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है रजा भाई वो आपको दोस्तों आज की तरीके 2950 रुपए में डिलीवरी इंक्लूड है दोस्तों इसकी जो प्राइस है वैसे 2950 रुपए ठीक है 150 रुपए डिलीवरी का 2800 रुपए इसकी प्राइस है 2800 रुपए इसकी प्राइस लगेगी 150 रुपीज इसके डिलीवरी चार्जेस है और ये जो मशीन है ये आपके घर पर दोस्तों शिप हो जाएगी कैश ऑन डिलीवरी के साथ। दोस्तों अभी ऑर्डर करें और चाय पानी से जुड़े रहिए ताकि इसी तरह की मजेदार सी डेमोज और मजेदार सी स्पेशली किचन जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको रेगुलर उनकी जो अपडेट है वो मिलती रहे। जज़ाकअल्लाह।